आज की वीडियो में आपको कटरीना कैफ की प्रेगनेंसी के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड में बहुत सारी न्यू मॉम्स बनी हैं और अब शायद इन न्यू मॉम्स में एक और इजाफा होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कटरीना कैफ की। कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी बॉलीवुड की एक बहुत ही बिग फैट इंडियन वेडिंग थी। ऑल दो कटरीना ने अपनी शादी को डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन उनकी शादी फैंस के लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज साबित हुई। कटरीना कैफ और विकी कौशल पापराजी से बहुत अच्छे से ग्रीट एंड मीट करते हैं और बहुत अच्छे से मिलते रहते हैं, लेकिन कुछ समय से कटरीना कैफ काफ़ी अनयूजुअल बिहेव कर रही हैं। कुछ दिन पहले भी कटरीना कैफ को शूट पर जाते हुए स्पॉट किया गया, लेकिन कटरीना कैफ ने बिल्कुल भी मीडिया से बात नहीं की और वो सीधा अपने घर से निकलकर गाड़ी में बैठकर चली गई। और अब एक बार फिर से कटरीना कैफ ने यही किया है कि वो सीधा घर से निकलकर गाड़ी में बैठकर चली गई हैं और शूट लोकेशन पर भी वो सामने नहीं आती हैं। और कटरीना कैफ का ऐसा अनयूजुअल बिहेवियर देखकर फैंस उनकी प्रेगनेंसी को स्पॉट कर रहे हैं। कटरीना कैफ की एक क्विक लुक सामने आई थी जिसमें देखा जा सकता था कि वो ब्लैक कैजुअल वेयर में थी, साथ में उन्होंने कैप पहन रखी थी, लेकिन उनकी बेबी बम थोड़ा सा स्पॉट हो रहा था। और फैंस अपने सेलिब्रिटीज़ को बहुत ही क्रिटिकली नोट करते हैं और क्रिटिकली देखते हैं, और जब कटरीना कैफ की ये पिक्चर सामने आई, ये वीडियो सामने आई, तो फैंस का कहना था कि कटरीना कैफ इज़ प्रेगनेंट और इसीलिए वो इस तरह से लोगों के सामने नहीं आ रही हैं, वो अनयूजुअल बिहेव कर रही हैं। और इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही थी जिनमें बताया जा रहा था कि कटरीना और विकी भी बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं और कटरीना कैफ अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के शूट्स को कंप्लीट करती हुई दिखाई दे रही हैं और वो काफ़ी जल्दी में शूट्स कंप्लीट कर रही हैं ताकि वो अपना प्रेगनेंसी का फेज स्मूथली और बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकें। अब देखना यह है कि कटरीना कैफ कब अपने फैंस के साथ ये न्यूज़ डिस्क्लोज करेंगी, और अगर ये न्यूज़ सच है तो वी विश अ वेरी हेल्दी बेबी टू कटरीना एंड विकी। आपको कटरीना और विकी के बेबी के बारे में जानकर कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि कटरीना वाकई एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।